हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ तक का वीडियो आप देख चुके हैं। हम अम्मा के घर से होते हुए, पुराने घर से होते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आज का जो वीडियो है वो खड्ड तक आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत इंजॉय किया हमने खड्ड के पास जाके नीचे। मेरे मायके की तो बात ही क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है। ये नहीं कि मेरा मायका मैं तो तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती है, हरे घास की कमी, क्योंकि खड्ड है ना, पानी लगता हुआ खेत है सारे। तो जहाँ पे पानी लगता है वहाँ पे तो नेचुरल सी बात है कि फसल भी बहुत अच्छी होती है। सामने भोले बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे भी लेके जाएंगे। और लेकिन दीदियों को बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने कहा था कि जो ये ओरिजिनल बात करते हैं उसको ही रखा करो, पर पता क्या होता है, कई बार इनकी अपनी भी प्राइवेसी होती है, कई चीज़ें ये खुद भी नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे हो, तो कई वर्ड ऐसे हो जाते हैं ना, फिर काटने लगूँ तो फिर वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इस करके मैं वॉइस ओवर भी देती हूँ कहीं कहीं। अब हर बंदा जो कैमरा फेस नहीं करता या कैमरे पर, ज़रूरी नहीं, हमारी ज़िंदगी तो खुली किताब है, ठीक है। पर दीदियों ने बहुत इंजॉय करा, और ये देखो कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं ना सभी। मैं उन्हें कहूंगी नहलाना मत मुझे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रास्ते से, पहले क्लिनजिंग अच्छे से कर। एक तारी तो जानू इस बंदे चढ़ा पड़ेगी मैंने। मैं वार्निंग पहले दीती थी ना ना दीदी, फिर पानी में क्या, पानी में चप्पलें खोल के जाना है कि नहीं दीदी? अपना नहीं कोई मुकाबला नहीं कर पता। अब चीजों को तो ये जो ये चीजें बासती ना मेरे मायके में, इतनी सारी चीजें ना, ये दवाई है, ये दवाइयों में पड़ती है, बास्ती बल, ये आयुर्वेदिक दवाइयों में पड़ती है, इसकी जड़ी बूटी है हर्बल। हाँ यहाँ तो बहुत है, ऊपर नहीं है पर वहाँ कुछ नहीं। आ देना अपने इंदी महंगी बिक रही है बे। हाँ ये दी ओपन है बाहर है आले दाले स्टैंड लाके पौधे ला जो यहाँ से। क्या दीदी अपने है कि नहीं? चलो जाने सुखे हैं पौधे। अरे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता चलो जी। ये हमारा रोज का रास्ता होता था, स्कूल का, घराट का, खेतों का, पानी का। इधर से ऊपर को जाना, सोचो कितना दूर जाते थे। और ये इधर हमारी जगह है थोड़ी सी। एक एक महीना यहाँ लगा के जाया करूँ। हाँ बिल्कुल दीदी, और मैं एक नया पर्सन बन के निकल सकती हूँ। बिल्कुल और तो वो तो है ये। और ये हमारे गांव की घराट तो हमारे था सबसे पहले, उसके बाद गांव में जो सबसे पहले आटा चक्की आई थी वो ये थी। okay. यानी कि आज से कोई 30 साल पहले की बात है ये वाली। हाँ फिर जब, हाँ ये वाली, यहाँ पे सबसे पहले आटा चक्की हुआ करती थी, जो बिजली की आई थी, मतलब आपकी थी नहीं, हमारा तो घराट था पानी से चलने वाला। मेरे फोन ओ भाई देखा, मैं अच्छी बच्ची हूँ ना, मैं शूज डाल के आई। नहीं गिरते आप बिंदास होके चलो। इसने भी चप्पल डाल रखी है जो आगे आगे भाग रही है। और क्या, जाते वक्त देख रहा मेरी हालत। बोले कोई साथ चलना पड़ेगा। ठीक है जाती है, अब ठीक है बीबी, ठीक है अब ठीक है, और सब ठीक है ना, जाइए तू नहीं अरे। हाँ नमस्ते चाचिया टाइया। पंजाब पंजाब बोते हो ये ती मिलने माँ साथ है, इन्हें भी जाना भाई सारे, मतलब चलो। आ देखो दीदी बकरियाँ, आ जाओ को बकरियाँ, चलो। नहीं अभी नहीं, खड्ड में ले जाओ। नहीं मैं तो थोड़े को बकरियाँ देखनी है, इधर आ तू यार, इधर आके छाया भी इधर बकरियाँ देख, वो किधर बंधी हुई है वो रिम्पी दीदी, वो बकरियाँ किरण दीदी आप बोल रही है बकरे बकरे कुछ नहीं देखनी मैं। हाँ हाँ
अच्छा अच्छा बकरियां नहीं आ रही है। हाँ आ रही है एक बकरी, एक मिनट दीदी। हाँ क्या लगता दोनों चीजें चलो आ देखो इधर तो बकरी तरीका देखो बनन दा। मैं तो एक घंटा सो लूं यहाँ पार सुनाते आपको बाबा जी के इसमें मंदिर में। आप पानी देखो मेरे मैके दा, मेरे मैके दी कोई रीस नहीं है यार सच्ची में। सच्ची में अब सीन देखो धान होते हैं सब कुछ होता है। मेरा मायका तो मेरा मायका ही है। आ देखो इधर इतना लहसुन प्याज होता है ना को मेरे को आगे तक बोल दिया भी नहीं। रुक जा चल अच्छे हैं नहीं मीठे हैं मेरे को। अरे पिक्चर खींचो। हाँ आड़ू तो पंजाब में भी होते हैं गोबर के साथ खींच लो। सच्चे हैं पिक्चर खींच आ जाओ तुम मेरे को दे यार ये तो एंजॉय करो यार। और इसमें बहुत दीदी यहाँ तो बहुत पानी है ना। पूल हमारे बचपन का पूल यहाँ से पाठशाला जाया करते। ओ पहनते बोलते हैं इसको। चलो जूते उतारो बढ़ जाओ पानी में पैर रखने के लिए पानी में रखो। हाँ पहले मंदिर ही जाते हैं। जूती खराब नहीं होगी? नहीं ये नहीं जूते खराब के तो कि मैं जगह ही ना पानी में पैर कैसे रखना है कहाँ बोल रहा और कितने जा इधर 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 आओ क्यों दीदी इधर आओ चप्पल पहन के रखो दीदी बैठ भी नहीं। आपके फोन में खींचो आपके ठीक है। फिसलना नहीं पत्थर बहुत फिसलने वाले फिसलने का नहीं। ओ इस साइड आ जाओ भाभी आ जाओ। पिछली मुन्नी मुन्नी ले बेटे। अरे ओ मुनिया अब अरे सामने वाली मुन्नी फोन ले ले किरण दीदी ते के आप करोगे मैं ना अपनी फोटो की होनी है मेरी फोन बड़ा अब किसी बैठे में खेलते हैं सारे ने। चलिए जी अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में सामने शिव जी का मंदिर है और ये देखो मेरे पास दो फोन है किरण दीदी का फोन भी है मेरे पास। मेरे को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा अगर गिर गई तो दोनों फोन खराब हो जाने। ये देखो चलो जी हम जा रहे हैं भगवान भोले। और देखो ये चीज़ यहाँ पे होती है हमारे जो भीड़ होते हैं ना भीड़ उनकी ये चीज़ जो है
इसको प्लेठियाँ बोलते हैं, और ये जो होता है ना इसमें जो पशुओं को बांधते हैं मगलाव में वो काम आता है ये वाली चीज़। मेरे मायके में अभी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे। और देखो किरण दीदी का फ़ोन मेरे पास है, आईफोन। हाँ दीदी, तुम पहाड़ी स्पेशल क्या खाती हो? इधर को चलो मेन गेट तो, यहाँ पे बड़ी प्राचीन चीजें हैं, यहाँ पे आएगा मजा अब हो है ना। दीदी बंद हो गया अब आपका आईफोन, धाम में खाना खाने की ये वो चीज़, यहाँ आपको हर चीज मिलेगी। पत्तल बनती है दीदी से, डिस्पोजेबल नेचुरल डिस्पोजेबल पत्तों वाली पत्तल होती है ना, इसमें खाना खाते बैठ में बैठे। आपने तो भाभी आप तो पतले हो, मैंने आपको मना कर दी थी पहले, दूर है रुक जाओ तो बताती हूँ इतिहास। चलो, और इसके बाद हम पहुँच गए हैं बाबा गंगागिर जी की धुनी के पास, भोलेनाथ जी की प्राचीन शिवलिंग जहाँ यहाँ पे है, जो कि भोलेनाथ बाबा खुद बोला था उन्होंने कि मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे, मतलब बहुत सारी बातें अगली वीडियो में आपको बताऊँगी मैं। तो ये गेट है बहुत साल पुराना है, कई सौ वर्ष पुराना है, 250-300 वर्ष हो सकता है, 400 भी हो सकता है, इतना पुराना ये गेट है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल जाएंगे हम मंदिर के अंदर, वो वीडियो आएगी आपको शाम के टाइम, वो आपको देखने को मिल जाएगी मंदिर की जो अंदर की वीडियो है। और ये देखो, जय हो भोले बाबा। आप सभी देखने वाले को, मेरे भाई भाई बहनों को, सभी लोगों के लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ भोले बाबा से कि आप सब हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। जय माता दी, राम राम।